एक महीने तक खुदा की इबादत करने के बाद आज भोपाल में ईद मनाई जा रही है। बता दें ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई। सुबह 7 बजे हजारों नमाजियों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश दुनिया में अमन चैन की दुआएं मांगी। नमाज के पहले शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने तकरीरें दी, फिर जामा मस्जिद, ताजुल मस्जिद और मोती मस्जिद में नमाज हुई। इसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मस्जिदों में भी नमाज हुई। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ईद की नमाज से पहले मुस्लिम धर्मावलंबियों को संबोधित करते हुए रमज़ान की महत्वता बताई। रमज़ान और नमाज के बाद खुतबा हुआ और बाद में दुआ की गई।